हेलो स्टूडेंट आज हम जनरल इंग्लिश कर रहे हैं पिक्चर स्टोरीज जो है हमारा पेज नंबर फोर फाइव फोर्टी फाइव नाउ रीड दिस इंस्ट्रक्शन लुक एट द पिक्चर्स लिसन टू द स्टोरीज एंड एन्जॉय देम आपको पिक्चर्स देखना है और स्टोरी लिसन करनी है और ये स्टोरी को अच्छे से एन्जॉय करो द टू कैट्स एंड द मंकी आपको टू कैट्स एंड मंकी की स्टोरी रीड करनी है नाउ सी दिस फर्स्ट पिक्चर यहाँ देखो केक है और टू कैट कम हियर है ना यहाँ नजदीक पे आई नाउ रीड टू कैट्स सो अ केक एंड जम्प्ड एट इट इच वन से दिस इज माई केक आई विल एट इट देखो दोनों ने केक को देखा और जंप किया और बोलने लगी दिस इज माय केक आई विल एट इट नाउ सी हियर सेकंड पिक्चर यहाँ आप देखो मंकी पेड़ के ऊपर है और वो दोनों केट को फाइट करते हुए देख रहा है नाउ रीड इट मंकी वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री वो मंकी पेड़ के ऊपर बैठा था ही शो द टू केयर्स फाइटिंग फॉर द केक वो देख रहा था कि टू केयस फाइटिंग कर रही है केक के लिए नाव रीड थर्ड नंबर यहाँ देखिए मंकी नज़दीक आया और समझाने लगा ओके नाव रीड ही क्लाइम्ब डाउन द ट्री एंड वेन टू देम मंकी क्लाइम डाउन हुआ और ट्री ट्री से क्लाइम डाउन हुआ और और uh, जो टू कैद थी उसके पास जाके बैठा ही सेड बी क्वाइट उसने कहा शांत रहे बी क्वाइट डोंट फाइट आप फाइट करो नहीं आई विल मेक टू इक्वल पीसीस ऑफ द केक मैं केक के टू इक्वल पीसीस करके दूंगा एंड गिव वन पीस टू ईच ऑफ यू दोनों को मैं एक एक पीस इक्वल करके दे दूंगा नव सी हियर यहाँ मंकी क्या कर रहा है केक के इक्वल पार्ट कर रहा है ओके okay, दोनों हाथों में केक तुरंत ही मंकी ने फटाफट वो क्विकली जड़प से केक पकड़ा एंड में टू पार्ट उसके कितने पार्ट किए टू नाव टर्न योर पेस्टूडेंट नव सी हियर यहाँ देखो मंकी ने टू पार्ट्स किए और उसके बाद वो क्या कैट को समझा रहा है वो हम रीड कर रहे हैं ही हेल्ड वन पीसीज इन ईच हैंड उसने जो दो पीसेस किए वो दोनों ही अपने अलग अलग हैंड में पकड़ा हुआ ओके okay? देखो उसने पकड़ा है देन ही सेड उसके बाद वो बोला ओ दिस पीस इज बिगर देन द अदर पीस ओ ये जो पी एक पीस है एक हाथ का पीस वो बता के बता रहा है कि ओ दिस पीस इज बिगर बिगर है जो दूसरा पीस है उससे ज़्यादा है आई मस्ट गिव यू इक्वल मुझे कंपल्सरी आपको इक्वल करके ही देना है पीस ओके okay? अब वो क्या कर रहा है ऐसा कह के उसने जो बिगर था वो बाइट करने लगा ओके सो ही took a बाइट फ्रॉम द बिगर पीस जो बिगर पीस था उसमें से उसने बाइट किया ओके okay, बाइट लिया नाव से हीयर यहाँ उसने अब दूसरे हैंड में भी जो था वो भी बाइट करना चालू किया देखिए अगेन ही सेट फिर से वो बोला ओ नो नाव दिस अधर पीस इज बिगर ओ नो अब ये जो दूसरा पीस है वो बिगर बन गया यानी ज़्यादा हो गया एंड ही टूक अ बाइट फ्रॉम द अदर पीस जो दूसरा पीस था उसमें से भी उसने बाइट किया ओके ही वेंट ऑन डूइंग इट अब धीरे धीरे दोनों हाथों में वो ऐसा ही करने लगा कि ये बिगड़ है तो बाइट किया फिर दूसरे हाथ में बिगड़ है तो बाइट किया ऐसा करने लगा इसके बाद देखो ये क्या किया उसने लास्ट में जो बचा वो भी खाने की कोशिश कर रहा है ओके At last, only a small pieces of the cake was left. अब उसके हाथ में कितना केक बचा small pieces of the cake एकदम small piece बचा। He popped it into his mouth and said, "This is my fee for my service to you." अब जो बचा था वो फटाक से उसने pop कर दिया उसके मुंह में एंड क्या कहा दिस इज़ माय फ़ी ये मेरी फ़ी है फॉर माय सर्विस टू यू मैंने जो आपको सर्विस दी उसकी फ़ी है ऐसा करके उसने वो केक पॉप कर दिया नाउ सी हियर अब दोनों आ, कैट है वो क्या हो गए? एकदम बेड फील करने लगी और जो मंकी है वो क्लाइंब अप कर दिया ओके okay? धैन द मंकी क्विकली क्लाइंब अप द ट्री उसके बाद मंकी तुरंत ही फटाफट क्लाइंब अप कर दिया ऑन द ट्री यानि ट्री के ऊपर चढ़ गया एन द कैस वेयर लेफ्ट विथ नथिंग अब कैस के पास कुछ भी बच्चा नहीं नथिंग लेफ्ट यानि कुछ भी बच्चा नहीं तो नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि हमें कभी आपस में झगड़ा करना चाहिए नहीं मिलजुल के रहना चाहिए मिल बैठ के खाना चाहिए ओके नहीं तो ये जो बंदर जैसे लालची लोग होंगे वो आपको क्या करेंगे चीट करके चले जाएंगे सो स्टूडेंट रीड दिस स्टोरी एंजॉय एंड लिसन इट ओके फ्रॉम योर मदर ओके आपके मम्मी या पापा से स्टोरी लिसन करना और एन्जॉय करना हैव नाइस डे